मैं यहां पर एक बड़ा खूबसूरत नुकता आपको आज करना चाहता हूं। दुनिया कहती है दलाल में पहले दे चुके हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला की जात गिरामी माजल्ला वो ईमान वाले नहीं थे, हुजूर के बाद ईमान वाले। दूध को आप लोग क्या कहते हैं? खुदा का नूर कहते हो ना, दूध को कहते हो ना अल्लाह का नूर है। नहीं भाई, दुनिया से पूछो, अगर आप एक दूध के पास जाए, एक हाथ में आपके लोटा हो बाथरूम वाला, एक हाथ में डोल हो, आप उसको कहें कि यार मुझे दूध डाल के दो, वो क्या लोटे में डाल के देगा? अगर आप उसको कहें यार नहीं मेरे बाथरूम का लोटा इसमें दूध डाल, वो आपको डाल के देगा? वो कहेगा यार तेरी बात नहीं मारी, खुदा का नूर है तो बात पीछे रहे, तेरी मत नहीं मारी गई। एक ऐसा गवादा, एक ऐसा गुजर जिसने सारी जिंदगी कोई क्लास ना पड़ी हो, एक क्लास भी ना पड़ी हो, उसको इतनी तमीज है कि खुदा का नूर लोटे में नहीं डाला जाता, गंदे बर्तन में नहीं डाला जाता, खुदा का नूर पाक बर्तन में डाला जाता है। यार खुद तसव्वुर करो, अल्लाह ने जब कायनात के आलम का सदर कायनात का नूर भेजना था, जब उसने सदर कायनात का नूर भेजा तो मैंने काफिर के सुनने भेजना था। रब कायनात फरमाता है इन्ना मन मुशरिकून नजस, और काफिर तो सर से लेके पैरों तक के पलीत है। तो क्या रब कायनात ने सारी कायनात के सदर कायनात को, रब कायनात ने सारे नबियों के इमाम को, सारे नबियों के दायदार को, मेरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब कायनात ने प्यारा आदम से लेके मेरे मादाम तक मेरा रूह पाक सुल्तान से पाक पुश्तों में मुंतकिल फरमाया। उसूल यही है, माँ बाप शरीफ है तो औलाद शरीफ पैदा होगी, माँ बाप परवरदार है तो औलाद गद्दी पैदा होगी, कभी शरीफ औलाद पैदा नहीं हो सकती। ईमान वालों के काफिर हुआ करते हैं, काफिरों के घर ईमान वाले पैदा नहीं होते, ये उसूल है। तेरा पीला
رہے گا بڑے پاک ہو جائے گا جانے والے ہوں گے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے ایمان باروں کا ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرے ان ساتھیوں نے یہ جنہوں نے اس محفل کو مذہب کو سجایا ہے اللہ اپنے حبیب کو سب سے ان کے ساری کی پیاری خواہشات کو پورا فرمائے دنیا مال اولاد علم عمل عمر پر بار ہر بار تمہیں زبردست دے دے سلام علیکم